हमारे दरमियान पुलिस है, वो भी ऐसा पुलिस वाला जिसके ताल्लुकात शादाब के साथ हैं। छोटी सी गलती सबको तबाह कर सकती है। ठीक है तारिक, सारा दिन एक ही बात करते रहते हो, अब तो हिफ्ज हो कुछ गया और रह गया है क्या? नहीं तो इसे वहाँ रख। बोरा अम्मी, वो मैं और बोरा किचन में खाना खाएंगे आज। किचन में खाना चाहती हो? ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग खाना एंजॉय करें। ठीक है, सब कुछ ठीक से रख दिया है ना? देख लें एक बार। ग्लास सबके सामने रख देना। आ गए हैं। खुशामदीद, अंदर आ जाएं। शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत थी? हमसी पुलाव। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोट नहीं उतारेंगे? दीजिए बाबा। ये मुझे दे दो, ये मैं किचन में रख कर आती हूँ। अच्छा, ये वहाँ रखने हैं। लाइए, आप भी दीजिए ना अपना कोट। नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है, आए चले, चलते हैं। हाँ, अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे। हमसे पुलाव बहुत अच्छा बनाया है। इंजॉय करें, मलिका बेटी ने बनाया है। शुक्र है आप लोगों को पसंद आया, वैसे काफी शुगर है इसमें। अच्छा, वो यहाँ क्यों नहीं आई? उसके सर में बहुत दर्द था। ओह, अल्लाह उसे शिफा दे। हिकमत साहब, आपका इरादा ज्यादा अरसे रुकने का है यहाँ? नहीं, ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं, ये काम निपटा कर चला जाऊंगा। कौन सा काम? पूरी मेज सजा दी आप लोगों ने। बल्ला, सच में बहुत जहमत की, बहुत अच्छा है सब कुछ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जहमत कैसी, खाना एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। बल्कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत से इनकार नहीं किया और आ गए। मैं ज्यादा अरसे यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा यहाँ दम घुटता है। इस मुबारक काम के बाद वो अपने शहर वापस चला जाऊंगा बस। आपने क्यों जहमत की? आजम साहब खुद भी तो कर सकते थे। अरे नहीं मेरी बेटी, हर एक काम को कोई तमीज तरीका होता है ना। बाबा के दिल में इस संडला है, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, इस्तांबुल में डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह आपको शिफा दे। शुक्रिया, शुक्रिया। कल रात में कचरा फेंकने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी। बाहर मैंने किसी को देखा, इतना डरी कि मैं भागकर फौरन घर वापस आ गई। यकीन करेंगे आप? आजम साहब, आप तो ये जानते ही होंगे कि इस मोहल्ले में चोरी वगैरह तो नहीं होती, या इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मोहल्ले में तो कभी भी नहीं हुई चोरी। नहीं होती क्या? आप बेफिक्र रहे, आपके सामने इतना बड़ा कमिश्नर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी हम रिश्तेदार ही है ना। असल में बाबा के कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा मोहल्ला है, यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह रहते हैं। हाँ ये तो है। तो आप क्या कहते हैं, इस नए काम में हमें जरा जल्दी करनी चाहिए। जानते हैं ना, इन कामों में ज्यादा इंतजार नहीं होता। क्या अब ये कौन सा काम है? एक बात कहूं मैं, ये कबाब मेरी प्लेट से खत्म हो उससे पहले एक और लेना चाहता हूं, मैं बहुत लजीज बनाई। इतने पसंद आ गए आपको? एंजॉय करें आप। जी बिल्कुल। शरीफा मैडम आप लेंगी? शुक्रिया। हिकमत साहब, नहीं बहुत शुक्रिया। तारिक आप कुछ लेना पसंद करेंगे? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सिर्फ मेहमानों को दो। तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है, आधे घंटे बाद चहरबशी आ जाओ। लैला, फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं बाबा?
फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं बाबा। लैला, हाँ तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ये लो बेटा। बहुत शुक्रिया। खाना एंजॉय करो। एक्सक्यूज मी, मैं माजरत चाहती हूँ, एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, जरूरी ना होता तो मैं ना जाती, मुझे जाना होगा। शबा खैर। कहाँ जा रही हो लैला, क्या हुआ है? अम्मी बताया ना, एक स्टूडेंट का मैसेज आया है। बेटी क्या हुआ इतनी रात को, बताओ क्या हुआ? बाबा बाद में बात करेंगे। लैला, शाम के वक्त अकेली, कितना अजीब काम है। आप लोग परेशान मत हो, उसे जहाँ जाना है मैं छोड़कर आ जाता हूँ। हाँ हाँ, रुके क्यों हो, जाओ तुम भी। रात के इस वक्त क्या हुआ ऐसा? परेशान मत हो, सब ठीक होगा। बाज़ औक़ात हो जाता है। लैला अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती है। सरमा नहीं लिया आपने, लैला ने अपने हाथों से बनाया है। कितना खाओगे बस भी करो।